भाई बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है भाई, मुंबई इंडियंस भाई हार्दिक पांड्या को भाई अपना नया कप्तान बनाया है दोस्तों। रोहित शर्मा को भाई फायर करते हैं भाई कप्तानी से मुंबई इंडियंस के। हार्दिक पांड्या वही कप्तान जिन्होंने भाई गुजरात टाइटन को भाई पहला आईपीएल ट्रॉफी जिताया था भाई पहले सीजन में ही, और उस दूसरे सीजन में भाई फाइनल में पहुंचाया, रनर अप रहे भाई। अब तीसरे सीजन में भाई अब वो मुंबई इंडियंस के साथ खेलेंगे दोस्तों। रोहित शर्मा को भाई कप्तानी से हटा दिया गया भाई, मुंबई इंडियंस ने हटा दिया दोस्तों। बहुत बेकार लग रहा है भाई रोहित शर्मा के लिए भाई, वो रोहित शर्मा जिन्होंने भाई मुंबई इंडियंस को भाई 2013 का आईपीएल ट्रॉफी जिताया, 2015 जीता है, 2019 जीता है भाई, 2017 का जीता है, 2020 का जीता है दोस्तों, और एक CLT20 लीग जीता है भाई। वही रोहित शर्मा को भाई मुंबई इंडियंस ने भाई फायर कर दिया। जिस रोहित शर्मा के सामने भाई यार हार्दिक पांड्या ने भाई अपना डेब्यू किया था भाई मुंबई इंडियंस के साथ, उसी रोहित शर्मा को भाई हार्दिक पांड्या ने भाई हटवा दिया यार। भाई मुंबई इंडियंस भाई बहुत दिमाग लगाया भाई, पहले गुजरात टाइटंस से भाई हार्दिक पांड्या को छीन लिया भाई आईपीएल ट्रेड में भाई, फिर उसके बाद जब 12 तारीख को भाई ट्रेड खत्म हो गया, लास्ट ट्रेड 12 तारीख को था, फिर यार 16 तारीख को भाई हार्दिक पांड्या को भाई नए कप्तान बना दिया गया दोस्तों। क्योंकि भाई रोहित शर्मा कम से कम फिर अब एक साल रोहित शर्मा को खेलना पड़ेगा आईपीएल, क्योंकि भाई आईपीएल खेलने के पहले यार एक आईपीएल का रूल होता है कि रिटेंशन तक भाई आप प्लेयर डिसाइड कर सकते हो कौन प्लेयर किस टीम में जाएगा, प्लेयर खुद डिसाइड कर सकता है कि कौन प्लेयर किस टीम में खेल सकता है, लेकिन भाई रिटेंशन खत्म होने के बाद भाई आप नहीं कर सकते हो भाई, एक साल कम से कम आपको रहना ही पड़ेगा। उसी तरह भाई मुंबई इंडियंस ने दिमाग लगाया भाई, पहले हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से छीन लिया, कैमरन ग्रीन को रिलीज कर दिया 17 करोड़ में आरसीबी के लिए, और यार हार्दिक पांड्या को खरीद लिया वही 15 करोड़ में, और फिर रोहित शर्मा को भी रखेंगे भाई ओपनिंग कराएंगे, लेकिन भाई वो कठपुतली की तरह रहेंगे दोस्तों। रोहित शर्मा वही रोहित शर्मा भाई जिन्होंने भाई हार्दिक पांड्या की कप्तानी की भाई, हार्दिक पांड्या को भाई आईपीएल में चलना सिखाया, हार्दिक पांड्या को भाई वनडे में खेलना सिखाया भाई, वही हार्दिक पांड्या ने भाई रोहित शर्मा को भाई फायर करवा दिया। बहुत दुख लग रहा है भाई, आज से भाई मुंबई इंडियंस का भाई लग रहा है डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। भले मुंबई इंडियंस भाई कितना भी ट्रॉफी जीत ले भाई, लेकिन रोहित शर्मा ने भाई जो मुंबई इंडियंस के लिए भाई किया है ना, वो कोई कोई प्लेयर भी नहीं कर सकता दोस्तों, जो रोहित शर्मा ने किया है मुंबई इंडियंस के लिए भाई। रोहित शर्मा इकलौते ऐसे कप्तान है जिन्होंने भाई सीएसके के खिलाफ भाई मैच जिताया, सीएसके को फाइनल में भाई 3 बार हराया हो भाई, 2019 में हराया हो दोस्तों, 2013 में हराया हो, 2015 में हराया हो भाई, यार 3-3 बार हराया है, लेकिन भाई यार वही रोहित शर्मा भाई मुंबई इंडियंस भाई फायर कर दिया भाई। रोहित शर्मा ही वही प्लेयर है जिन्होंने भाई सीएसके को भाई आंख दिखाना शुरू किया था भाई, अब वही रोहित शर्मा भाई फायर हो जाएंगे कप्तानी से यार, वही रोहित शर्मा भाई अलविदा हो गए भाई कप्तानी से भाई। एमएस धोनी इकलौते ऐसे कप्तान है जिन्होंने भाई 2008 से भाई कप्तानी शुरू किया, अब 2024 तक कप्तानी करेंगे दोस्तों। उनके सामने विराट कोहली आए वो चले गए, सचिन तेंदुलकर आए वो चले गए, रोहित शर्मा वो चले गए भाई, हार्दिक पांड्या भी हैं, शुभम गिल भाई नए कप्तान गुजरात टाइटन के बने दोस्तों, उनके सामने भाई टॉस उड़ाएंगे सोचने वाली बात है। और यार रोहित शर्मा भाई मुंबई इंडियंस ने भाई फायर कर दिया, अभी कम से कम भाई 4 साल उनका करियर बचा था भाई, 36 साल था कम से कम, वो नहीं तो 4 साल खेलते ही खेलते, क्या पता था भाई 4 साल में भाई एक दो और ट्रॉफी जिता देते हैं, क्योंकि भाई आईपीएल की भाई सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम सीएसके है पहले नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे भाई मुंबई इंडियंस है भाई। मुंबई इंडियंस का भाई अब से डाउनफॉल शुरू हो गया दोस्तों भाई, क्योंकि भाई हीरा को छोड़ के भाई उन्होंने भाई कोयला चुना है दोस्तों। रोहित शर्मा भाई मुंबई इंडियंस के लिए भाई कुबेर के खजाना था दोस्तों, वही रोहित शर्मा को भाई मुंबई इंडियंस ने भाई कप्तानी से हटा दिया। आप लोग यार बोर हो रहे होंगे कि भाई इतना भाई कप्तानी से हटा दिया, कप्तानी से हटा दिया, लेकिन भाई बहुत दुख लग रहा है यार रोहित शर्मा के लिए भाई, ये साल बहुत बेकार जा रहा है रोहित शर्मा के लिए। पहले था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भाई फाइनल हारना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर यार देख लीजिए वर्ल्ड कप का भाई फाइनल मैच यार, बहुत यार बेकार लग रहा है भाई रोहित शर्मा के लिए यार। अब तीसरे नंबर पे भाई देख लीजिए भाई कप्तानी छीन लिया गया दोस्तों मुंबई इंडियंस का। रोहित शर्मा अभी भाई यार साउथ अफ्रीका में भाई टेस्ट खेलने गए थे भाई, टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी बीच मुंबई इंडियंस भाई रोहित शर्मा को एक नया झटका ही दे दिया। लेकिन कुछ भी था यार मुंबई इंडियंस को भाई कप्तानी से हटाना नहीं चाहिए था रोहित शर्मा को भाई, भले हार्दिक पांड्या को भाई आपने ट्रेड करके ले लिया, लेकिन यार रोहित शर्मा को हटाना नहीं चाहिए था भाई, क्योंकि भाई रोहित शर्मा भाई बिगेस्ट ब्रांड है भाई विराट कोहली के बाद यार। विराट कोहली अगर नंबर वन है भाई इंडियन क्रिकेट के ना, तो भाई रोहित शर्मा भाई दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे भाई जसप्रीत बुमराह है दोस्तों। भारत की आन विराट है तो भारत की शान रोहित है, तो भारत की पहचान जसप्रीत बुमराह है भाई, आन बान शान यही तीनों प्लेयर भाई है। विराट कोहली ने तो भाई खुद कप्तानी छोड़ा आरसीबी का, लेकिन भाई मुंबई इंडियंस ने भाई रोहित शर्मा को हटा दिया। तो भाई सब विराट नहीं हो सकता भाई, सब सीएसके टीम नहीं हो सकती, सब आरसीबी की टीम नहीं हो सकते दोस्तों। मुंबई इंडियंस भाई एक इकलौती ऐसी टीम है भाई जिसको भाई सबसे घटिया रेटिंग दिया जा रहा है भाई। अब रोहित शर्मा भाई चाह के भी भाई वो मुंबई इंडियंस नहीं छोड़ सकते, कम से कम उनको यार एक साल खेलना ही खेलना होगा, चाहे वो कैसे भी खेले भाई, हर मैच में भाई परफॉर्मेंस न भी दे तब भी उनको खेलना ही खेलना होगा दोस्तों। क्योंकि भाई आईपीएल रिटेंशन खत्म हो गया भाई, अब आईपीएल ऑक्शन 19 तारीख से होगा, 19 तारीख से भाई वही प्लेयर को लिया जाएगा जो ऑक्शन लिस्टेड में होंगे दोस्तों। हार्दिक पांड्या भाई रोहित शर्मा के लिए भाई अब पनौती बनते जा रहे हैं भाई, क्योंकि भाई 2020 के बाद यार जब यार हार्दिक पांड्या रिलीज हुए ना भाई, उसके बाद ना 2021 का वो आईपीएल जीता मुंबई इंडियंस, 2022 का भी आईपीएल नहीं जीता,
और 2023 का भी नहीं जीता दोस्तों। अब यार हार्दिक पांड्या भी पनौती होंगे दोस्तों मुंबई इंडियंस के लिए, भाई ये आप गौर कर लीजिएगा दोस्तों, कुछ भी होगा क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या जब तक मुंबई इंडियंस के लिए भाई थे तब तक भाई अच्छा मुंबई इंडियंस का लक था, अब फिर हार्दिक पांड्या आ गए लेकिन लक बहुत ख़राब हो गया क्योंकि भाई फैंस के सामने कोई नहीं चल सकता भाई, फैंस जो है ना भाई वही आईपीएल की शान है भाई, वही फैंस को भाई आप दुखी कर दीजिएगा ना तो भाई वो फैंस आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, मुंबई इंडियंस का भाई आधा फैन यार अब आपको सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि भाई रोहित शर्मा को भाई होल ओवर इंडिया सपोर्ट करते थे भाई, एमएस धोनी, विराट और रोहित शर्मा को यार आईपीएल के लिए भी, लेकिन भाई अब रोहित शर्मा के लिए भाई बहुत बेकार लग रहा है। इस रोहित शर्मा ने भाई मुंबई इंडियंस को आईपीएल का ट्रॉफी जितना सिखाया हो, 2013 के पहले भाई मुंबई इंडियंस यार कभी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीता, 2008 नहीं जीता, 2009 नहीं जीता, 2010 नहीं जीता, 11 नहीं जीता, 2012 नहीं जीता भाई, 2013 में भाई रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया, 2013 में पहली बार ही रोहित शर्मा ने भाई आईपीएल ट्रॉफी यार मुंबई इंडियंस को जितवा दिया दोस्तों, और वही रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने भाई फायर कर दिया यार। हार्दिक ने तो भाई एक ही ट्रॉफी जीता भाई गुजरात टाइटन के लिए, लेकिन भाई जब वो हार्दिक पांड्या भाई मनी के लिए कुछ भी कर सकते भाई, उनके लिए भाई पैसा ज़्यादा जरूरी है भाई, लॉयलिटी ज़्यादा जरूरी नहीं है दोस्तों, वो एक गुजरात टाइटन से छोड़ के भाई मुंबई इंडियंस में चले आए और वही मुंबई इंडियंस ने भाई हार्दिक पांड्या को भी रख भी लिया यार, पता नहीं भाई मुंबई इंडियंस का भाई सोच कहाँ चला गया भाई कि यार हार्दिक पांड्या माना कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम के भाई बिगेस्ट ऑलराउंडर है भाई, कप्तानी भी करते भाई, वाइस कप्तान है, लेकिन भाई यार रोहित शर्मा से भाई बड़ा ब्रांड है हार्दिक पांड्या नहीं है दोस्तों। खैर आपको क्या लगता है दोस्तों, भाई मुंबई इंडियंस को हटाना चाहिए था कि नहीं हटाना चाहिए था, आप कमेंट में जरूर बताएं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।